ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਨਾ ਹੈ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੌਣ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਏ ਪੀਊਂਗਾ ਤੂੰ ਯਹਾਂ ਸੇ 500 meters ਕਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਪੈਦਲ ਉੱਪਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਸਨੋ ਮਿਲੇਗੀ ਤੂੰ ਵਹਾਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਤੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਲੱਬ ਜੀ ਐਸ ਬੀ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਕਲੱਬ ਜੀ ਐਸ ਬੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾਰਕੰਡਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡ ਕਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਲੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਇਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹੋਲੀ ਰਾਈਡ ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾਊਂਗਾ ਚਿਤਕੁਲ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕਰ ਲਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਬੜੀਆ ਹੋਟਲ ਹੈ ਬੜੀਆ ਰੂਮ ਹੈ ਯਹੀਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਗ ਕਾ ਐਂਡ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਯਹੀਂ ਸੇ ਅਬ ਇਸ ਬਲੌਗ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਚਾਏ ਪੀਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਨਿਕਲਤਾ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਨੋ ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਕਾ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਯਹ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਕਾ ਵਿਊ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਕੀ ਬਾਲਕਨੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਾ तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ है तो वो सामने ऊपर वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वहाँ जा पाऊँ तो लो भाई अब चलते हैं घूमने थोड़ा टाइम है हमारे पास और तो इधर ये भी भाई है भाग गया देखते हैं क्या मिलता है जाके कुछ ज्यादा बड़ा टाउन तो है नहीं है छोटा सा ही है तो बर्फ का एक ग्लेशियर तो ये मिल गया ये है जी नारकंडा की छोटी छोटी गलियां तो किसी ने बताया यहाँ भी सीधे जाके ऊपर 500 मीटर जाओगे तो आपको बर्फ मिल जाएगी अच्छी खासी तो वहाँ पे सुनो कितनी मिलती है नहीं मिलती वहाँ पे जाके पता चलेगा पर मिलने की उम्मीद है पर कैसी मिलेगी ऐसे नहीं पता साफ सुथरी मिलेगी या फिर ऐसी वैसी तो ये देख सकते हैं पीछे है मेरे थोड़ी सी बर्फ और आगे इससे भी ज़्यादा मिलेगी पहले यहाँ पे अच्छी खासी है जब मैं आ रहा था ना शिमले के आगे कुफरी तक पहुँच गया था तो पूरी गर्मी लग रही थी पूरी गर्मी बाइक पे पता नहीं था जो मैंने कॉस्ट्यूम वगैरह पहन रखे थे वो थोड़े ऐसे थे कि उनमें हवा क्रॉस नहीं होती थी और मेरे को गर्मी ज़्यादा लग रही थी वैसे भी गर्मी थी वहाँ पे और यहाँ एकदम ठंडा तो भाई ये है यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है तो इतनी कि स्नो है यहाँ पे वैसे भी मौसम बदल गया तो स्नो कहाँ मिलेगी स्नो मिलेगी जाके चितकुल में तो यहाँ से ट्यूब से स्लाइड करवाते हैं ये पीछे मेरे स्नो ऐसी वैसी है गंदी मंदी हो रखी है क्योंकि लोग आते होंगे तो आप देख सकते हैं पीछे कितने पैरों के निशान पड़े हुए हैं तो ये सारा पीछे मेरे बस इतनी किस्मों है यहाँ पे अभी यहाँ और कुछ खास है नहीं तो चलते हैं एक दो फोटो लेते हैं यहाँ पे उसके बाद निकलते हैं वापस मार्केट चलते हैं एकदम घना जंगल है तो यहाँ तो भाई घूम लिया कुछ नहीं मिला खास इतनी स्नो है नहीं थी स्नो है ऊपर जाके यहाँ से 7-8 किलोमीटर है बाइक लेके जाना पड़ेगा लेकिन अब कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने का
क्योंकि टाइम 5 से ऊपर हो गया और मैं जाऊंगा वहां तक आधा घंटा मेरे को जाने को लगेगा, आधा घंटा आने को लगेगा, और फिर जितने में मैं जाऊंगा कुछ अंधेरा हो जाएगा, फिर कुछ खास मजा नहीं आएगा। तो ये स्नो वाला सीन तो कैंसिल करते हैं, हम जाते हैं मार्केट। रात में सो नहीं पाया क्योंकि राइड की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं 3 बजे मेरी आँख खुल गई और उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई। हालांकि निकला मैं 7 बजे, पर फिर भी एक्साइटमेंट की वजह से मेरे को रात भर नींद नहीं आई। तो चलो अब थक गया हूँ, मार्केट जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो देखते हैं, उसके बाद सीधा रूम में खा पी के सो जाऊंगा। लो जी आ गया मैं नारकंडा की मार्केट में। मार्केट छोटी सी है, कई होटल तो यहाँ पे बंद हो गए हैं, जब स्नो पड़ती है खुलते हैं। तो एक इधर मंदिर है, ये चित्र अपना नारकंडा के चौक में ही है। तो एक ये रास्ता मिला भाई ऊपर को, मैं इधर को निकलाया, शायद कुछ देखने को मिल जाए इधर से। यहाँ से और तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, एक चीज दिखाई दे रही है मेरा होटल, ये रहा। लो जी बैक टू द होटल, हमारा होटल फ्री टोटल। ये इनकी रिसेप्शन है और रूम मेरा ऊपर जाके। अब देखो सामने का व्यू, ये इधर नारकंडा सारा और सामने सनसेट हो रहा है और उसकी लाइट पड़ रही है इधर पहाड़ियों पे। सुबह मौसम ज़्यादा क्लियर होएगा, स्नो वाले पहाड़ वो सुबह बड़े साफ सुथरे दिखाई देंगे शायद, बोल रहे हैं अगर मौसम साफ हुआ तो। ये लाइट बड़ी अच्छी लग रही है उधर। नारकंडा का रात का व्यू, भाई बाहर बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो बाहर की जो हवा है ना बड़ा मजा भी आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि अगर बीमार पड़ गया तो मेरी राइड बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अंदर जो मेरा रूम है बूटन का है, तो अंदर से यह गर्म है। तो अभी खाना खाते हैं। ये रहेगी हमारी दाल की बाल्टी, ये रोटी है और मेरा सैलड, बस सिंपल सीधा हल्का फुल्का खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। और सुबह उठेंगे, यहाँ से निकलूँगा मैं चितकुल के लिए, सुबह जल्दी उठना है तो चितकुल पहुँचना है। चितकुल पहुँचने के लिए मेरे को अच्छा खासा टाइम चाहिए, मैं चाहता हूँ मैं 1:30-2 बजे तक हम पहुँच जाए वहाँ पे। वहाँ पहुँचेंगे तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी पहुँचना है अगर वहाँ पे। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। बाकी तुम्हारा भाई कल तुम्हें मिलेगा चितकुल में।